ऑटो एक्सपो में आपको सिर्फ वो गाड़ियाँ नहीं दिखाई जाती जो प्रेजेंट में बेची जा रही हैं, आपको ये भी दिखाया जाता है कि फ्यूचर की गाड़ियाँ कैसी होंगी। तो जापान की ऑटोमेकर कंपनी लेक्सस ने दिखाया है कि 2030 में उनकी गाड़ियाँ कैसी रहने वाली हैं। ये जो गाड़ी है इसको नाम दिया गया है LF30। इस गाड़ी में आगे से लेकर पीछे तक सब कुछ खास दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं कितना बड़ा बम्पर दिया गया है ब्लैक फिनिश के साथ, और जो एयर डैम है वो भी काफ़ी लार्ज है ताकि इसको एक एयरोडायनेमिक लुक मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मिल पाए। जो इसके व्हील है वो भी काफ़ी बड़े साइज वाले हैं। अंदर का लुक भी आप देख सकते हैं, 4 सीटर ये कार है जिसमें स्टीयरिंग जो है वो फिलहाल लेफ्ट साइड रखा गया है क्योंकि अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं की जा रही, फ्यूचर की ये चीज़ है। पीछे की आप बात करेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी स्लोपिंग रूफ आपको देखने को मिल जाती है, और उसके जो दरवाजे हैं वो भी बेहद खास हैं, इनको हम विंग डोर्स बोल देते हैं। और जो इसकी रूफ़ है वो ग्लास पैनल वाली रूफ़ है, और आगे से लेके पीछे तक सब कुछ ग्लास में दिया गया है। इसकी बैटरी की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें काफ़ी बड़ी बैटरी 110 किलोवाट आर की बैटरी दी गई है, और ख़ास बात है कि जो बैटरी पैक है वो चारों व्हील पर एक एक बैटरी पैक दिया गया है। इसकी पावर फिगर की बात करें तो 536 हॉर्स पावर ये जनरेट करेगी और 700 Nm का टॉर्क ये जनरेट कर पाएगी। स्पीड की बात करें तो काफ़ी स्पीड वाली ये कार है, 0 से 100 सिर्फ 3.8 सेकंड में पहुंच जाएगी, और गाड़ी की टॉप स्पीड लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रहने वाली है। तो कुछ ऐसी गाड़ियों को लेक्सस ने अपने पोर्टफोलियो में, अपने पवेलियन में ग्राहकों को दिखाया है कि फ्यूचर में गाड़ियां कैसी रहने वाली हैं। अगर आपको भी पसंद है गाड़ी बाइक के वीडियोस तो देखते रहिए Zee News।